विश्व हिंदू परिषद के दुर्गा वाहिनी मातृ शक्ति द्वारा दुर्गा अष्टमी को लेकर प्रतिदिन शस्त्र पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को चारभुजा मंदिर में आयोजित हुए कार्यक्रमों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने के साथ ही मान्यता अनुसार शस्त्रों की पूजा की गई। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के कई पदाधिकारी और मातृ शक्ति उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर कई मंदिरों में दुर्गा पूजन और शस्त्र पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। लोकेश्वर बालाजी मंदिर में सियाराम महाराज के सानिध्य में दुर्गा वाहिनी की बहनों और मातृशक्ति द्वारा मां दुर्गा व शस्त्रों का पूजन किया गया। इसी कड़ी में चारभुजा मंदिर में जिला संयोजिका शर्मिला चौहान, मातृशक्ति नगर संयोजिका जयश्री खत्री के नेतृत्व में दुर्गा सप्तमी दुर्गा चालीसा का पाठ कर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम मातृशक्ति विभाग संयोजिका सुनीता पुरोहित ने अपने उद्बोधन में बताया कि नारी अबला नहीं सबला है। जिस तरह मां दुर्गा ने राक्षसों और अधर्मियों को विभिन्न रूप धरकर मारा था, उसी तरह माताओं बहनों को अपने ऊपर जुल्म करने वाले विधर्मी आतंकियों को मारने के लिए अस्त्र शस्त्रों का खुलकर उपयोग करना चाहिए। दुर्गा तिवारी चेतना मोरवाल ने नारी सशक्तिकरण स्नात संस्कार शिक्षा के संबंध में अपने विचार व्यक्त कर बताया कि एक नारी के शिक्षित और संस्कारित होने पर दो परिवार प्रभावित और लाभान्वित होते हैं। वहीं दुर्गा वाहिनी की अनीता चौहान, दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका सुमन द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। इस कार्यक्रम में राजश्री खत्री, मानसी, प्रियंका, बबीता, मधु, हिमांशी, सजल, ममता द्वारा पूजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष किशोर भार्गव और जिला मंत्री स्वरूप सिंह भद्रू ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी कि इस तरह के कार्यक्रम नवरात्रों तक विभिन्न स्थानों पर संपन्न किए जाएंगे। जिला सेवा प्रमुख पुखराज बोथरा ने चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन, वृद्धजन हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबरों की जानकारी दी।